नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 1st of July 2021 के बारे में। 1 जुलाई 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या करने से आपको बचना है, सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे एंजल नंबर के बारे में और अचूक उपाय के बारे में, जिसको करने से आप अपने दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जुलाई के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जून का महीना हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से यहाँ पर निकाल दिया है और बहुत आराम से जून का महीना निकला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जुलाई का महीना भी ऐसे ही बहुत आराम से यहाँ पर निकल जाएगा और किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन की, कि जुलाई का महीना और पहला दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है। 1st of July 2021 पहला नंबर आता है हमारे पास, नंबर एक। कंबाइन कैलकुलेशन जब करते हैं दोस्तों तो क्या नंबर आता है, 7 + 5 = 12 + 1 = 13 और 3 + 1 नंबर 4 यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है। नंबर 4 यहाँ पर राहु का नंबर है। दिन कौन सा है आपका, तो दिन है आपका गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिन रहेगा ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिंग सिचुएशन वाला रहने वाला है। जी हाँ, पहला ही दिन जुलाई के महीने का, बट काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाला दिन यहाँ पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिजल्ट ये दिन आपको देता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव, बट हाँ मिक्स रिजल्ट ज़रूर देगा और कहीं ना कहीं हेक्टिक शेड्यूल बनेगा और काम आपके बनते बनते रुकेंगे, उसके कारण से आपको थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर महसूस करनी पड़ सकती है। दिन में अगर मैं देखूँ दोस्तों तो फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है, बट सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा जाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बेटर होता है यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको फर्स्ट हाफ कैसे भी करके निकालना है और सेकेंड हाफ आप अपने हिसाब से अच्छा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी। ये जो दिन है ये आपकी पॉकेट पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। जी हाँ, पॉकेट पर नुकसान का मतलब है कि पैसों से रिलेटेड परेशानियां आपको यहां पर हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मनी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है और पैसों से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी तरह से कोई परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले, क्योंकि इसके भी चांसेस थोड़े से दिखाई देते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक के ट्रैवल करिएगा। 2 बजे के बाद का ट्रैवल प्लान अगर आपका है तो वो ठीक है आपका। सुबह का अगर आपका ट्रैवल प्लान है तो वो काफ़ी ज़्यादा थकावट वाला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जर्नी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन आपका नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में, पूरी तरह से मन ना लगे और उसके बाद भी आप उस चीज़ को करना पड़े तो कुछ जैसी स्थिति होती है वैसा ही कहीं ना कहीं आपका दिन आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिन मिक्स्ड है, मतलब कि पॉजिटिव तो है ही है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ के साथ पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में अगर हम बात कर लें दोस्तों तो रिलेशनशिप में भी यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ आपको महसूस होंगी, थोड़ी सी उठापटक यहाँ पर रहेंगी और उसके बाद रिलेशनशिप यहाँ पर ठीक होगा। तो मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा अपने आप को काम रखना, अपने आप को शांत रखना, ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी जाएँ, चीज़ें आपके लिए ख़राब ना जाएँ। चलिए देश और दुनिया के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो देश और दुनिया के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर। ये दिन जो है ये देश और दुनिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आ सकता है और कोई बड़ा हादसा कहीं होता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं हमारे देश में। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, स्पेशली उत्तर की तरफ देखा जाए यहाँ पे तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। लेट्स सी कि क्या होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भी क्लियर नहीं पता चल रहा, बट जो कैलकुलेशंस आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया में यहाँ पर देखा जाए तो वो ठीक रहेगा, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, बट फिर भी क्योंकि बड़ा हादसा है तो वो भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कहीं हो सकता है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं। बट मोस्टली उत्तर दिशा में कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें राशियों की, तो राशियों में आप देखिएगा कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि,
और मीन राशि, इन चार राशियों के लिए समय जो है वो थोड़ा सा ठीक रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात कर लें दोस्तों हम, तो नंबर में आप देखिएगा नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 आपके लिए अच्छा समय जाने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अल्फाबेट्स में अगर देखा जाए तो अल्फाबेट्स में ए सी डी एफ एच और एन, ये सारे अल्फाबेट्स जो हैं इनके लिए समय जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता हुआ दिखाई देगा। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में कि आपको आखिर क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि ये दिन आपका और भी ज़्यादा शानदार चला जाए, और एंजल नंबर क्या करना है जिससे कि आपको इस दिन को और अच्छा बनाने में मदद मिले। देखिए दिन काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिंग रिजल्ट दिखाई देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर भी मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो कि आपके दिन को बैलेंस कर देगा और आपके दिन को अच्छा करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद यहाँ पर ज़रूर करेगा। नंबर आप नोट करिएगा, देखिए यहाँ पर नंबर आपका रहेगा 5061। जी हाँ 5061 बहुत सिंपल नंबर है, बहुत आसान नंबर है और मन से जुड़ने वाला नंबर है, तो इसीलिए ये नंबर आपको कहीं ना कहीं सुकून देगा, ये नंबर कहीं ना कहीं आपको पेशेंस देगा और ये नंबर कहीं ना कहीं आपके दिन को अच्छा बनाने में आपकी ज़रूर मदद यहाँ पर करता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा कि रास्ता कहाँ से निकालना है, देन दिस नंबर विल गिव यू सम लाइट और यहाँ पर आपका रास्ता निकल जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप रिकॉल कर सकते हैं, जैसे मन करे इस नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर ठीक रहेगा। अब आइए बात करते हैं अचूक उपाय की। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है, सबसे पहले तो कहीं से भी कर सकता है, कोई इसकी उपाय की कोई लिमिट नहीं है, बस मेथड वो होना चाहिए जो कि मैं आपको बताता हूँ, उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले क्या करते हैं उपाय करने के लिए, आपको क्या करना है, सुबह सुबह जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी में हल्का सा चंदन मिला के नहाने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ से दिन आपकी जो शुरुआत रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चंदन की अगरबत्ती अगर आपके पास है या धूपबत्ती अगर आपके पास है तो अपने घर में ज़रूर से जला दीजिएगा, या चंदन का कोई भी मोमबत्ती भी हो जाए चंदन की तो वो भी आप जला सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सैंडलवुड का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है हमें, और अगर चंदन का इस्तेमाल करेंगे आप तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सेकंड चीज़ आप जो भी काम करेंगे, कहीं बाहर जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं, कोशिश करिएगा कि येलो कलर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, वाइट कलर बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। पूरा ध्यान रखिएगा कि वाइट कलर और बहुत ज़्यादा क्रीमिश कलर आपको नहीं यूज़ करना है, मतलब कि वाइट और नियर टू वाइट नहीं यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा डार्क में जाना है आज, और येलो कर सकते हैं आप, ब्लू कर सकते हैं आप, मैरून कर सकते हैं आप, रेड भी कर सकते हैं आप, पर थोड़ा सा डार्किश पे जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आइए यहाँ पर और देखते हैं और क्या उपाय करने हैं। तो जैसे ही आपको 3 बजे के आसपास एक और उपाय बता रहा हूँ जो कि आपको करना होगा, या आप कहीं पर भी बैठे हों 3 बजे की आसपास आपको ये उपाय करना है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, बस आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड पे आपको लेफ्ट हैंड के थंब से आपको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा रब करना है। जी हाँ अराउंड 3 o'clock आपको क्या करना है, राइट हैंड में आपको थंब से रब करना है यहाँ पर, बहुत आराम से किसी भी समय 3 बजे के आसपास आप कर सकते हैं, 3 to 4 के बीच में ये कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है, बस आपको ये रिकॉल करना है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आना है, पैसा कहाँ कहाँ से मंगवाना है और लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बस थोड़ा सा मेमोराइज करना है, कुछ और बोलना नहीं, कुछ और करना नहीं है। इट्स वेरी सिंपल रेमेडी, इस रेमेडी को इसी तरह से इस्तेमाल करिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। उम्मीद करता हूँ कि दिन भी आपका अच्छा जाएगा और इस दिन में भी कोई भी ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं महसूस होगी और ये दिन आपका सबसे ज़्यादा अच्छा जाएगा। और जुलाई के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूँ कि पूरा जुलाई का महीना आपका बेहतरीन निकलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।